वीडियो से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इसका जश्न हर बीजेपी कार्यकर्ता मना रहा है, हर बीजेपी का नेता मना रहा है। तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 30S की निगम पार्षद रेखा विनय चौहान के दफ्तर में और देखते हैं कि वो कैसे इसका जश्न मना रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के पावन अवसर पर डाबड़ी वार्ड 30 में अलग ही नजारा देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जश्न है अयोध्या के श्री राम मंदिर भूमि पूजन का। ये जगमगाहट है राम भक्तों के शहर की। ये नजारा है डाबड़ी वार्ड की पार्षद रेखा चौहान के दफ्तर का। भूमि पूजन के इस उत्सव में पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत भी शामिल हुए। उन्होंने भी श्री राम की पूजा अर्चना की। यहाँ हजारों की संख्या में दिए जलाए गए। रेखा चौहान ने श्री राम के प्रति अपनी आस्था को कैसे से बयां किया, जरा सुनिए। देखिए, यहाँ पे हमने 2100 दिया जला के और ये 500 साल बाद जो ये मौका आया है। बाकी मैं अपने आप को बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये मोदी जी की टीम की, जिनके हाथों ये राम मंदिर की नींव रखी गई है। मैं भी उसमें छोटी सी एक सिपाही हूँ, तो वाकई में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी और उस देश के सिपाही जिसने इसकी नींव रखी, एक सच्चे सुपुत्र के हाथों नींव रखनी चाहिए, वाकई में उन्होंने रखी है। और मैं भी एक बहुत सी सूक्ष्म सी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। अभी मौका मिला तो अयोध्या जाएंगे राम मंदिर? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और कैसे जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रखा है? देखिए, कल से हम लोग एक हफ्ते से तैयारी में लगे हुए थे और कल से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू करा है। कई सारे मंदिरों में हमने विनय जी ने मिलके दिए बांटे हैं और हमने ये, आप देख रहे हो, यहाँ पे सारी ये लड़ियाँ लगाई हैं। पूरी हमारी 3 नंबर गली ऑफिस में, जिसमें कि आपका भी घर आता है, सारा हमने सजाया हुआ है 3 नंबर गली। और एक दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि पूरे बाढ़ को, मुझे नहीं लगता कि पूरे बाढ़ में या पूरे विधानसभा में इससे बढ़िया कार्यक्रम किसी ने किया होगा। मैंने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा, एक दिवाली से भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर कराया। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक विनय चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भाजपा देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में कभी मौका मिला तो वो अयोध्या रामलला के दरबार जरूर जाएंगे। विनय चौहान जी, ऐसा लग रहा है दिवाली दोबारा आ गई? कम है, क्योंकि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष बाद आए थे तो इसी तरह से अयोध्या वासियों ने पूरे उस टाइम के जो थे उन्होंने जश्न मनाया था। और आज हम सबका वो सौभाग्य है जो 500 साल से जिस चीज़ की प्रतीक्षा थी, राम मंदिर तो था ही, इसमें तो कोई दो राय थी नहीं, लेकिन उसका पुनर्निर्माण बहुत बांधाएं, बहुत लोगों ने बलिदान दिए और बहुत लोगों की अपेक्षाएं, और इतना हर्ष जो हो रहा है मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने उस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का, जो एक ऐसी टीम, अमित शाह जी, नड्डा जी, ऐसी टीम जो 135 करोड़ लोगों के विश्वास को जीतने में सफल हुई है। जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो बार बार पूछा जाता था कि राम मंदिर बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, आज उन सबको बता दिया गया है कि राम मंदिर आज से बनना स्टार्ट हो गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के युग पुरुष हैं। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में बनने चाहिए हॉस्पिटल, बन रहे हैं मंदिर। देखिए, जो लोग नेगेटिव थॉट के, ऐसे व्यक्तियों को भगवान राम का प्रकोप झेल, धीरे धीरे ना वो देश से ख़त्म होते जा रहे हैं। और जिसने राम मंदिर के, जब 92 के कार सेवकों को किसी ने रथ यात्रा रोकी है, वो जेल में सड़ रहा है। जिसने गोलियां चलवाई हैं उनकी स्थिति देख लीजिएगा, वो सब आज भुगत रहे हैं। और जिन्होंने आज अडवाणी जी, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, और जो भी हमारे उस टाइम के जितने भी बड़े लीडर, मानी आज हमारे बीच में वो, अगर जो वाजपेयी जी होते
तो इससे हर्ष की बात कोई नहीं होती है। वो सब लोग जिन्होंने इतना कष्ट झेला है, आज अडवाणी जी का सपना पूरा हुआ, इस देश के उस पुरुष का सपना पूरा हुआ जिन्होंने एक शुरुआत करी थी और जो पहले से चली आ रही थी, लेकिन बीजेपी वाले हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी ने कहा है वो करते हैं। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा, कोई भी वादा कोई झूठी बात नहीं है। जो कहते हैं, आपने 370 देखा होगा, जब कहते थे ना कि खून की नदियां बह जाएंगी, हो जाएंगी, इतना कुशल नेतृत्व तो कभी देखा होगा कि एक भी चींटी नहीं मरी, एक चींटी नहीं मरी, और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये सपने जो मोदी जी पूरे कर रहे हैं वो किसी और व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहे, ये 135 करोड़ लोगों की वजह से हो रहे हैं जिनका मोदी जी पे और उनकी टीम पे विश्वास है। ये धन्यवाद है इस देश के लोगों का, धन्यवाद है उन सभी हिंदुओं का, धन्यवाद है उन सभी सनातन के लोगों का जो अपने नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। जिस तरह से सरकार ने उन पर कोई विश्वास नहीं करता, झूठी बातें, झूठे काम। जिंदगी में कभी मौका मिला तो विनय चौहान अयोध्या भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन मेरा जिंदगी का आज का पर्व और उस दिन का पर्व जब राम लला वहां विराजमान होंगे और मैं उनके साक्षात दर्शन करूंगा, वो दिन भी मेरी जिंदगी का आज की तरह ही महत्वपूर्ण होगा और वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन होगा कि मैं वहां पे दर्शन करूं। डाबरी वार्ड की निगम पार्षद रेखा चौहान के दफ्तर में हजारों दिए जलाकर राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न मनाया गया। इस जश्न में सभी क्षेत्रवासी शरीक हुए। दियों की रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमगा रहा था। इसके साथ ही पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजाया गया। भूमि पूजन के अवसर पर क्षेत्रवासियों में प्रसाद के तौर पर देशी घी के हलवे का वितरण किया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइंस को भी फॉलो किया गया। अपने चेहरे पर मास्क लगाए ये लोग कोरोना से बचाव भी सुनिश्चित कर रहे हैं। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक कीर्तन का भी आयोजन किया गया। भूमि पूजन का कार्यक्रम तो अयोध्या में रखा गया, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से राम भक्तों ने इसका जश्न अपने अपने क्षेत्रों में मनाया। कैमरा जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।